ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है, अगर पूरे राजस्थान की बात करें हम, 5000 से ज्यादा केसेस है, हालांकि सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भी यहाँ है, लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन 4.0 के बाद सरकार ने यह समझा कि अगर हम जीवन को शुरू नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्या लगता है कि क्या लोग पालन कर रहे हैं, क्या लोगों के दिमाग में यह है कि हम कोरोना के साथ ही जी रहे और हमें प्रिकॉशंस लेना ही होगा? खुशबू, देखिए अभी हम कल जो राजस्थान सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई उस गाइडलाइन की बात करते हैं। प्रदेश में 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद में डेंटल क्लिनिक जो है उनको कल से अनुमति दी गई है संचालन की। अभी हम खड़े हैं डेंटल क्लिनिक पर, जहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की गई है किस तरह से डेंटल क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। ये वो मरीज है पिछले जो 2.5 महीने से इंतजार कर रहे थे ट्रीटमेंट का, क्योंकि डेंटल का इलाज जो है वो पूरी तरह बंद हो गया था, और बंद इसलिए हो गया था क्योंकि सेंटर की गाइडलाइन आई भी थी कि डेंटल क्लिनिक को तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि कोविड के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा जो खतरे का निशान था वो डेंटल क्लिनिकों पर था, क्योंकि ये सीधा स्प्रेड मुझसे जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए अब आप देख सकते हैं आज जो क्लिनिक है वो शुरू हो चुके हैं। हम आपको बताते हैं पहले दिन जो क्लिनिक है उनकी क्या स्थिति है, कुछ डॉक्टर हैं प्रोसेस कर रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि अभी आज से ही क्लिनिक शुरू किए गए हैं, पूरी तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं पीपी किट पहन करके पूरे एहतियात जो बरते गए हैं, पूरी गाइडलाइन जो दी गई है उसको देखते हुए पूरा काम शुरू किया गया है। मैडम, डेंटल क्लिनिक और डेंटल चिकित्सा जो है पूरी तरह बदल गई है जो कोविड के बाद में, कितना बदलाव आया, क्या गाइडलाइन है और किस तरह से आप उसको फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली गाइडलाइंस के हिसाब से अब हमको कई चीज़ों पे बदलाव लाना होगा। फॉर एग्जांपल, जब हमारा पेशेंट एंटर होता है तब उसके सैनिटाइजेशन से लेकर के क्लिनिक के एनवायरनमेंट को सैनिटाइज भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिक जब पेशेंट आता है उसको कैसे उसको सैनिटाइज करना है, कैसे एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करना है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और सैनिटाइजेशन के बाद में अलग अलग CDC गाइडलाइंस और FDA की गाइडलाइंस के हिसाब से जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस्तेमाल करते हुए हमको शुरुआत करनी है। और हर चेंबर को, जैसे आपने देखा हमने हर चेंबर अलग अलग बनाए हुए हैं, हर चेंबर को अलग अलग करते हुए प्रोसीजर्स को फॉलो करना है कि कंसल्टेशन रूम अलग होना चाहिए, एग्जामिनेशन रूम अलग होना चाहिए, एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर जिसमें होते हैं वो चेंबर अलग होना चाहिए। कोविड को देखें तो बहुत बड़ी चुनौती है सभी डॉक्टर्स के, लेकिन अगर डेंटल की बात करें तो दंत चिकित्सकों के लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं खतरे के, एवरी टाइम खतरे के मूड में रहेंगे, जद में रहेंगे, तो उसके लिए आप लोग अपने पेशे में कैसे बदलाव और क्या बदलाव करेंगे? पेशेंट में जो हम, चूँकि एक डेंटिस्ट को मुँह में हाथ डाल के काम करना पड़ता है, और पेशेंट जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, आइडियली कहा जाता है कि हमको 6 फीट दूर रहना है, पर हमको तो पेशेंट से 1.5 फीट की दूरी पे काम करना होता है, तो और पेशेंट के मुंह में हाथ डाल के काम करना होता है, तो पेशेंट के ओरल कैविटी में, सलाइवा में वायरल ओवरलोड ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमें सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हमको PPE किट पहनना, एग्जामिनेशन लेवल पर क्या पहनना है, प्रोसीजरल लेवल पर क्या पहनना है, उस सब की गाइडलाइन बराबर दी गई हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए हर डेंटिस्ट को ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। 2 महीने से आप भी दबाव झेल रहे थे, काफ़ी जो सीरियस पेशेंट थे वो भी आप लोगों को अप्रोच करते थे कि ट्रीटमेंट मिले, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन का इंतजार था गाइडलाइन आ गई है, अब आप लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, क्या मानते हैं इन मरीजों को कितनी राहत मिलेगी अब? ऑब्वियसली जो पेशेंट, जो डेंटल पेन होता है इट इज़ नेक्स्ट टू लेबर पेन। जब दांत में दर्द होता है तो पेशेंट रात भर सो नहीं पाता, ठंडा गर्म लगता है वो बात अलग है, वो बेशक निवाया खा के काम चला ले, दलिया खिचड़ी काम खा के काम चला ले, पर जब पेशेंट दांत के दर्द से रात में सो नहीं पाता तो वो पेशेंट बहुत सफ़र करते हैं। अभी आप 2-4 पेशेंट के को 1-to-1 भी बात कर सकते हैं कि वो पिछले कितने महीनों से किस तरह से परेशान हो रहे हैं, तो उन सब की परेशानियां तो डेफिनेटली अब हम इन गाइडलाइंस के तहत काम करते हुए कम कर सकते हैं। देखिए खुशबू, ये थी नीलम माहेश्वरी जिन्होंने बताया कि किस तरह से डेंटल का जो पेन है वो लेबर पेन से कम नहीं होता, और ऐसे में पूरी एहतियात बरत के और जो गाइडलाइन जो है उसको करते हुए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। यहाँ पर कुछ मरीज हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या व्यवस्थाएं की जा रही है और किस तरह से उन्होंने दिक्कतें झेली है। आपको तैयारियाँ दिखाते हैं अस्पताल में, क्या तैयारियाँ की गई है आप देख सकते हैं, जो प्रत्येक मरीज है उन प्रत्येक मरीज के लिए आप देखिए सीट्स हैं वो पूरी तरह से उनको पूरे सैनिटाइज करने की गई है, उनको सबसे पहले पॉलीथीन लगाई गई है, पॉलीथीन लगाने के बाद में ताकि जब भी कोई सैनिटाइजेशन जो किया जा सके।
इसके बहुत इजी तरीके से। इसके साथ ही हम आपको और प्रोसीजर दिखाते हैं कि कहाँ पे पूरा स्टाफ जो है उसके लिए पूरी गाइडलाइन कह सकते हैं पूरे कल पूरे दिन भर से लगे हुए थे, आप देखिए सामने पेशेंट के लिए साथ में स्टाफ के लिए सबके लिए एक एक चीज बताई गई कि किस तरीके से फॉलोइंग की है, किस तरह पोंछा लगाया जाना चाहिए, डेंटल चेयर जो है उस पर पेशेंट कैसे बैठेगा, इसकी तमाम जो गाइडलाइन जो सेंटर की तरफ से आई हुई है उनको सबको बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं विकास आप जो तस्वीरें दिखा रहे उससे ये तय है कि बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं।